डॉंगल्स, मैं पूजा, मैं पूर्वी, मैं साक्षी। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारे टेबल पे कितने टाइप के फूड आइटम्स रखे हुए हैं एंड ये सारे ही बहुत ज्यादा यमी हैं। और गाइस इसी के साथ आपको दिख रही होंगी ये स्पून्स, कुछ बड़ी है, कुछ मीडियम है, कुछ छोटी है। तो गाइस आज का जो हमारा चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बिग स्पून, मीडियम स्पून, स्मॉल स्पून ईटिंग चैलेंज। सो गाइज एज यू कैन सी हमारी टेबल पे 5 फूड आइटम्स रखे हुए हैं, तो आज का हमारा चैलेंज भी 5 राउंड्स में होने वाला है। और गाइज किसको मिलेगी बिग स्पून, मीडियम स्पून, स्मॉल स्पून, ये हमारा फैसला होगा इन चिट्स से। इन चिट्स में तीनों तरह के स्पून का नाम लिखा है और हम देखते जाएंगे किस पे क्या रहा है और उसको उसी स्पून से ये सारा फूड खाना पड़ेगा। और गाइज हर राउंड में ये चिट्स जो है ये शफल होती रहेंगी और देखते हैं कि किस पे कौन सी स्पून आती रहती है हर राउंड पे। तो गाइज अब हम आपको आज का फूड बताना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेट में हमारी रखी है वेज चाउमीन। ओ माय गॉड गाइस आप इसमें देखो कैप्सिकम, अनियन एंड कैबेज, कैरेट, कितनी ज्यादा वेजिटेबल्स भरी हुई है और ये देखने में कितनी ज्यादा डिलीशियस लग रही है। एंड गाइस इस प्लेट में रखी है हमारी रस मलाई, एकदम रस से भरी हुई। एंड दूसरी प्लेट में रखे हमारे दही गोलगप्पे। दही अभी हमने डाली नहीं है, आप देख सकते हो साइड में रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो फिर बहुत जल्दी ना सॉफ्ट हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे रखी हुई है हमारे पास गुजराती डिश ढोकला। आप देख सकते हो गाइस इसमें कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें, आपको लग रहा होगा कितनी स्पाइसी होंगी, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बहुत नॉर्मल होती है खाने में, मतलब ये टेस्ट बढ़ा देती है ढोकले का। और गाइस यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास क्रिस्पी चिली पटेटो। गाइस आप देख सकते हो क्रिस्पी चिली पटेटो कितने ज्यादा बड़े बड़े पीसेस में है। तो गाइस आज होने वाले हैं टोटल 5 राउंड्स और हम देखेंगे कि इन 5 राउंड्स में से हम तीनों में से सबसे ज्यादा पॉइंट कौन लेगा और जो पॉइंट ले लेगा वो देगा बाकी दो को पनिशमेंट। तो गाइस हम जल्दी से हमारा चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं, अपनी डिश लाते हैं। तो गाइस हमने फर्स्ट राउंड के लिए अपने अपने डिशेस ले ली हैं और गाइस हमारा फूड है चिली पटेटो, हम तीनों की प्लेट में ही इक्वली रखा हुआ है। लेकिन गाइस ये राउंड डिपेंड होगा इन चिट्स पे कि किसके पास आती है मीडियम, स्मॉल एंड बिग स्पून। तो गर्ल्स मैं शफल कर रही हूँ, चूज करना। यम्मी थे खा के, एकदम ऐसा स्वाद आ गया ना, मजा आ गया। और गाइस मेरे पास तो ये स्मॉल स्पून थी, इससे एक बार में एक ही आ रहा था, बहुत कोशिश कर रही थी तो दो चिली पटेटो आ रहे थे, तो हारना तो तय था ही। और इससे तो ऐसा लग रहा था एक बार में मैं सारे भी ले लूंगी फिर भी खाऊंगी तो पड़ेंगे। तो गाइस चलते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ। तो गाइस हमने सेकंड राउंड में लिया है ढोकला, हम तीनों ने ही दो दो ढोकले के पीसेस लिए हैं। और गाइस ये रही चिट्स, मैं इनको शफल कर देती हूँ एंड चूज मीडियम, स्मॉल स्पून, बिग। क्या हो गया? और गाइस मैंने ले लिया अपना चमचा और गाइस मैंने तो नॉर्मल स्पून लिया, मेरे पास है स्मॉल स्पून, कैसे खाऊंगी मैं इससे। तो गर्ल्स शुरू करें सेकंड राउंड। यस ओके रेडी 3 2 1। इनके पास है जीरो। और तो और गाइस मेरे पास थी स्मॉल स्पून, लेकिन ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ढोकला ना मेरा फेवरेट है। जो मैंने खाना जो स्टार्ट किया है ना बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा टेस्टी था। हाँ गाइस ढोकला तो बहुत ज्यादा टेस्टी, जूसी, बहुत यम्मी था। मैंने तो बाद में साक्षी का भी खा लिया। गाइस मुझे ढोकला ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे खा रही थी। एक तरफ है जिसका फेवरेट है, एक जिसके लिए नॉर्मल है और पसंद ही नहीं है। तो गाइस चले थर्ड राउंड पे। तो गाइस थर्ड राउंड में हम तीनों ने ले लिए चाउमीन और गाइस मैं फिर से ये चिट्स शफल कर देती हूँ। चूज गर्ल्स। रिपीट हो गया ये। तो गर्ल्स रेडी? यस ओके 3 2 1।
एक पॉइंट मुझे मिल चुका है इस राउंड में। बड़े चमचे का ये फायदा उठा गई है ना साक्षी, और नहीं तो क्या। और मेरे को तो डिसएडवांटेज ही हुआ है क्योंकि इसमें बहुत कम कम आ रही थी, मैं इतनी कोशिश कर रही थी हाथ से भी बट वो गिर जा रही थी। तो गाइस अब तक के हमारे पॉइंट है 2 points, 0 point, 1 point। सो गाइस चलते हैं हमारे फोर्थ राउंड की तरफ। तो गाइस अब आ गया है फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड में लिए हैं हमने दही गोलगप्पे। देखो गाइस कितने ज्यादा स्टफ्ड है ये, और दही भी इनका तैर रहा है बाहर। तो गाइस अब देखने के लिए किस पे कौन सी स्पून आती है, हम करते हैं चिट्स को शफल। बिग स्पून, मीडियम स्पून। पूजा में लगातार 3 बार से स्मॉल स्पून आ रही है। गाइस इसमें ना हमारी एक कंडीशन है, जो गोलगप्पे को ना प्रॉपर ऐसे स्पून से उठाना है, ये नहीं कि आप तोड़ के ऐसे खा लो। नो, गोलगप्पे को उठाओ फिर खाओ, ठीक है? ओके ओके, रेडी गर्ल्स? यस। 3 2 1। रस के साथ, और गाइस रस मलाई खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है, एंड इसका जो रस होता है ना ये तो पीने में इतना मजा आता है ना, हल्का हल्का स्वीट सा जो होता है। तो गाइस इस चैलेंज में हमें सिर्फ मलाई मलाई नहीं उसका रस भी खत्म करना है, और चाहे वो स्मॉल स्पून ही उसको ऐसे एंड तक पीते रहना। गर्ल्स मैं शफल करती हूँ एंड चूज फाइनल राउंड। ओके मीडियम स्पून, पहली बार लॉन्ग टाइम पहली बार स्मॉल स्पून। सो गाइस मेरे पास आई है मीडियम स्पून, और मेरे पास बिग स्पून, मेरे पास छोटी स्पून। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी गर्ल्स? यस। 3 2 1। बहुत ज्यादा बराबरी से चल रहा था इन दोनों चम्मचों के बीच, बट गाइस मैंने क्या बोलूं, मैं 0 point something seconds से पहले ही मैंने थम्स अप कर दिया, मतलब वही ना प्रॉपर पूर्वी का से थम्स अप हुआ है और मेरे यहां से निकला। अगर आज है मैं पी लेती हूँ आराम से, क्योंकि ये दोनों मिलकर मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं। और गाइस रसमलाई इतनी अच्छी थी, इतनी टेस्टी थी ना, लेकिन ये पता ही नहीं लगे कब सुड़क हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी क्योंकि चैलेंज में था ना, तो जल्दी खानी थी। तो गाइस अब हमारे जो पॉइंट्स है 2 2 1, तो हम दोनों मिलके देंगे साक्षी को पनिशमेंट। तो चलते हैं गाइस साक्षी की पनिशमेंट की तरफ। सो गाइस मैं और पूर्वी साक्षी के लिए पनिशमेंट लेकर आ गए। बेसिकली ये एक रिवेंज है मेरा और पूर्वी का, जो हमें लेना है साक्षी से। आपको याद होगा कि साक्षी ने ना हमें एक पनिशमेंट दी थी, जिसमें साक्षी ने ना हमें बहुत सारी बॉल्स मारी थी एक एक करके खड़ा करके, यहाँ पे बहुत अत्याचार हुआ था। तो वही अत्याचार अब हम करने वाले हैं साक्षी पर। मैंने ऐसा कब करा किया था? अभी गाइस आप भी वीडियो में बैक जाकर देख लो, एक पनिशमेंट थी जिसमें साक्षी ने हमें बहुत मारा था, और आज हमारा दिन है। तो गाइस मैं और पूजा मारेंगे साक्षी को ये बॉल फुल ऑफ बॉल्स साथ में, और साक्षी को ऐसे सूली पे टंग जाना है सीधे हाथ करके, और साक्षी को इसमें हम एक ध्यान दे रहे हैं कि बचना है, लाइक ऐसे बच जाए, ऐसे बच जाए, और कोई पोजिशन चेंज नहीं करनी है। ओके साक्षी बहुत ज्यादा रियायत दे रही तूने मुझे। ये भी बहुत है पता है, हम तो सीधा स्टैचू बना के खड़ा कर देते हैं, बट नहीं हमने कर दिया, मुंडी हिला सकते हो तुम। साक्षी टंग जाओ। साक्षी रेडी? रेडी। 3 2 1 गो। बच भी सकती है यार। हमारा निशाना तो बहुत खराब है। मेरा
देख साक्षी रिवेंज तो आज पूरा हो गया। yes. समेत। yes, बहुत अच्छे से हमने अपना रिवेंज ले लिया। इतना मजा आया ना, धार 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 जो उसके मुंह में पड़ रही थी ना। मैं